रूस यूक्रेन युद्ध को 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसका कोई पुख्ता हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले करता रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से रूस शांत बैठा हुआ है। यूक्रेन पर रूस ज्यादा बड़े हमले नहीं कर रहा है। इसके पीछे का कारण साफ है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और बस सटीक प्लान के साथ अटैक किया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, अब ये युद्ध और लंबा नहीं खिंचेगा बल्कि आर या पार वाली रणनीति अपनाई जाएगी। मॉस्को में यूक्रेन के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी है। रूस के 22 लाख सैनिक यूक्रेन का काम खल्लास करने के लिए बेताब हैं। बकायदा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की सेना को कम से कम 17 लाख अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। नाटो के प्रतिबंधों और यूक्रेन को पहुंचाई जा रही मदद के बाद रूस ने यह कदम उठाया है। पुतिन ने 1 दिसंबर को यह आदेश दिया था, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया, जिसके बाद रूसी सैन्य कर्मियों की संख्या बढ़कर 22 लाख हो गई है। इससे पहले अगस्त 2022 में पुतिन ने 1,37,000 सैनिकों को रूस आर्मी में शामिल करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 20 लाख हो गई थी। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेना में शामिल होने की इच्छा रखने वालों को भर्ती जरूर की जाएगी। रूस में यूक्रेन में जारी संघर्ष को अब विशेष सैन्य अभियान का नाम दिया है। वहीं नाटो रूस की सीमा के पास संयुक्त सशस्त्र बल तैनात कर रहा है और हवाई रक्षा प्रणालियों के साथ ही हथियार तैनात किए गए हैं। ऐसे में रूस भी कहां पीछे हटने वाला था। सामरिक परमाणु बल से रूस को आंख दिखाने वाले नाटो को सबक सिखाने के लिए रूस सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। यही नहीं, यूक्रेन का साथ दे रहे नाटो को टक्कर देने के लिए रूस ने एक से बढ़कर एक हथियार भी सीमा पर भेजने शुरू कर दिए हैं।